Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Welcome back my new vlog. I hope आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो हम आए थे खेतों की तरफ, तो खेत काफ़ी हमारे बड़े हो गए हैं, जो कि हमने आपको पहले ब्लॉग में दिखाया था। हम उसके लिंक दे देंगे आई बटन पर। तो जैसे कि हमने दिखाया था कि हमारा खेत काफ़ी कई जगहों से उगा नहीं था। सरसों बोई थी हमने, तो वो कई जगह से उगा नहीं था, तो वो अब सारी उगी आई है और हमसे भी लंबी हो गई है। तो अभी हम खेत को देखकर आ ही रहे थे। हम आपको दिखाते हैं खेत, कि हमारा खेत कितना बड़ा हो गया है। मतलब जो हमने बोई थी ना सरसों, तो वो काफ़ी बड़ी हो गई है गाइस। तो ये देखिए, हम आपको दिखाते हैं, ये है हमारा खेत। तो ये काफ़ी बड़ी हो चुकी है हमारी सरसों, तो आप देख सकते हैं इधर। गाइस, हम यहाँ से सरसों को देख के घर गुजर रहे थे, तो हमको दिखा एक हमारा पेड़ छोकरा, मतलब पेड़ है वो, छोकरा ही कहते हैं हमारे गांव की भाषा में, तो पर आप जाने क्या कहते होंगे गाइस। तो उसमें एक गोलाकार का होल बना हुआ, मतलब छिद्र बना हुआ है। तो उसमें एक कुछ अजीबो टाइप, गरीबो टाइप कुछ बैठा हुआ है उसमें, सांप तरीका का। सांप तो नहीं है, शायद गोरिया है। तो उसको दिखाते हैं आपको, वो बिल में ही बैठा हुआ है, तो चलते हैं उसके पास। तो गाइस, उसकी हमें पूंछ ही दिखाई दे रही है, वो हमारे जस्ट सामने है, वो रहा उधर। गाइस, अभी जा रहे हैं हम छोकरे के पास। ये हमारा छोकरा है जिसमें छिद्र है, होल है। तो आपको दिख जाए तो बताना आप। तो ये छिद्र है, ये वाला होल है जो, इसमें आपको दिख जाए तो ये पूंछ लटकी हुई है उसकी, ये देख लीजिए आप, ये काफ़ी बड़ी पूंछ है उसकी। और ये से दूर होके बताते हैं आपको कि इसकी क्या खासियत है। तो गाइस, इसकी खासियत यह है कि अगर जब ये खाता है, पहली बात तो ये खाता नहीं है, और ये खाता जब है, इसकी दांतों में खुजली होती है तब ये काटता है। तो ये उधर ही बैठा हुआ है, और दिखाते हैं आपको एक बार, ये अभी तक उधर ही बैठा हुआ है, ये देख लीजिए आप। सभी चलते हैं घर की ओर, तो इससे पंखड़े लेंगे अपन, तो सीधे घर के लिए चलेंगे। ये रास्ता है जो हमारे घर के लिए ही जा रहा है। तो गाइस, अगर इसको छेड़ेंगे, मतलब इसको कुरे देंगे, तो ये क्या, तो ऊपर भग जाएगा छिद के ऊपर, काफ़ी ऊपर। ये पेड़ है ना, पूरा भरा पड़ा है छिद्दों से। दिखाते हैं सारे पेड़ को, दिखाते हैं। तो गाइस, ये है वो पेड़ जिसमें गोरिया है, मतलब जंगली छिपकली, ये दिख नहीं रहा होगा आपको, काफ़ी धूप पड़ी है अभी, अभी काफ़ी धूप निकली हुई है इधर। तो ये वो छोकरा है गाइस। ये गोरिया को देख ले आप, तो ये कैमरा घुसता नहीं है इसमें। दूसरी तरफ से दिखाते हैं गाइस, ये रहा, काफ़ी बड़ा छोकरा है गाइस। और ये हमारे खेत हैं, जो कि सरसों काफ़ी खड़ी हो गई है, और उसमें फली आने लग गई हैं सरसों की, तो वो नीचे झुक गई हैं इस तरफ।
गाइस अभी जा रहे हैं हम घर की ओर, तो चलते हैं घर। अभी हम घर की गली में आ चुके हैं, आप देख सकते हैं सर, ये हमारी घर की गली है। तो गाइस ये क्या लिख दिया है हमारे घर के दरवाजे पर, दुर्गेश ब्लॉग और राजस्थान पत्रिका प्रेस भारत सरकार द्वारा जनहित जारी। घर आ चुके हैं तो अभी खाना वाना खाएंगे, और तो गाइस अभी इस ब्लॉग को मैं यही समाप्त करता हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा, हमारे खेत पसंद आए होंगे गाइस,
और हमारे जो खेत का शौक रहा है वो तो काफी पसंद आया होगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my-